सतसृष्टितांडवरचयिता नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टितांडवरचयिता हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमः। राजसमंद एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आज का विषय है कि कोई प्रार्थना या कोई भजन या कोई गीत इस तरह का जो प्रेरणादायी हो, बचपन से ही एक गीत मुझे बहुत मेरे दिल के बहुत करीब रहा है और यकीन मानिए जब भी मेरे कठिन दौर को मैंने सामना किया है इस गीत ने मुझे बहुत ही ताकत दी है, इस गीत ने मुझे बहुत ही साहस प्रदान किया है। ये गीत नकारात्मक नहीं बहुत ही सकारात्मक पहलू है और एक बड़ी प्यारी सी प्रार्थना है। आपके सामने उस प्रार्थना को रखना चाहता हूँ जिससे मेरे बचपन की बहुत सारी यादें और जीवन में प्रेरणा के बहुत सारे स्रोत जुड़े हुए हैं। खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। कितनी खुशियाँ हैं दुनिया में देखो, दोनों हाथों से इसको समेटो। आओ खुशियों की, आओ खुशियों की फसलें उगाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। है बड़ी खूबसूरत कहानी जिसको कहते हैं हम जिंदगानी, है बड़ी खूबसूरत कहानी जिसको कहते हैं हम जिंदगानी। आओ सब प्यार का गीत गाएं, अपनी खुशियाँ चलो बांट आएं। खुद जिए सबको जीना सिखाएं, अपनी खुशियाँ चलो बांट आएं। तोड़ लाएं चलो सब सितारे, आओ जुगनू पकड़ लाए सारे। तोड़ लाए चलो सब सितारे, आओ जुगनू पकड़ लाए सारे। इनसे हर घर में दीपक जलाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। खुद जिए सबको जीना सिखाए, अपनी खुशियाँ चलो बांट आए। खुद जिए सबको जीना सिखाए। मेरी शुभकामनाएं, आप सभी राजसमंद वासियों को खुश रहें, इस मुश्किल दौर में भी अपनी खुशियाँ सबको बांटें और अपनी खुशियों से सबका घर रोशन करें। धन्यवाद। लॉकडाउन का समय जीवन में बहुत परिवर्तन का समय है।
बाहर जाना नहीं पर स्वयं भीतर स्वयं के साथ आत्मसात होने का समय है। आपाधापी वाली जिंदगी में एक ठहराव और स्वयं के साथ रहने का समय है। इस समय न आज की फिक्र है न कल की चिंता है। परिवार के साथ मिलजुल कर खाना बनाना खिलाना, बचपन के खेल परिजन के साथ आनंद से खेलने का समय है। प्रकृति एवं अपनों के साथ कृतज्ञ होकर संयम साधना से जीने का समय है। यह समय जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का समय है। आनंदम। माँ शारदे को नमन। कुछ पंक्तियां माँ शारदे को समर्पित कर रहा हूं। हे शारदे माँ शारदे, हे शारदे माँ शारदे, अपना ज्ञान देकर मुझको तार दे, अपना ज्ञान देकर मुझको तार दे। हे शारदे माँ शारदे, तेरे ज्ञान के दीप से अलौकित हो पथ मेरा, तेरे ज्ञान के दीप से अलौकित हो पथ मेरा, न हो जग में कहीं भी फिर अमावस का अंधेरा, न हो जग में कहीं भी फिर अमावस का अंधेरा। अज्ञानता में ज्ञान का सार भर दे, अज्ञानता में ज्ञान का सार भर दे। हे कठिन मार्ग मेरा आसान कर दे, माँ शारदे ज्ञान का वरदान दे, माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे। नमस्कार मित्रों, प्रभु श्री राम के चरणों में एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटी सी विनती और एक छोटी सी कविता मैं अर्ज करना चाहता हूँ। सुनिएगा, अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। जिसकी कृपा से सकल सृष्टि का होता दूर अंधेरा है, जिसकी कृपा से सकल सृष्टि का होता दूर अंधेरा है। राम ही करता राम ही बढ़ता, राम ही मालिक मेरा है। मन मेरा बस राम रटे ये, मन मेरा बस राम रटे ये, राम नाम ही गाता है। राम कृपा जिस पर हो जाए भव सागर तर जाता है। मैं तो केवल दास राम का, मैं तो केवल दास राम का राम नाम गुण गाता हूँ। राम नाम का सुमिरन करता राम भक्त कहलाता हूँ। गट गट मेरे राम बसे हैं राम से मेरा नाता है, गट गट मेरे राम बसे हैं राम से मेरा नाता है। तेरा तुझको अर्पण कर दूँ मेरा क्या जाता है। राम कृपा जिस पर हो जाए भव सागर तर जाता है। मुझको केवल राम भरोसा राम का वंदन करता हूँ। सुबह शाम में जिसको मिलता जय रघुनंदन करता हूँ। रामलला के दर्शन करके रोम रोम मुस्काता है। रामलला की कृपा से ही मन मेरा सुख पाता है। राम कृपा जिस पर हो जाए भव सागर तर जाता है। सारे जग के मालिक हैं वो, सारे जग के मालिक हैं वो, मैं उनका दीवाना हूँ। जिनकी क्षमा से जले जमाना मैं उनका परवाना हूँ। उनके चरणों की पूजा करके मन मेरा इतराता है, उनके चरणों की पूजा करके मन मेरा इतराता है। जिनकी कृपा से हर प्राणी का रोग कष्ट मिट जाता है। राम कृपा जिस पर हो जाए भव सागर तर जाता है। राम कृपा जिस पर हो जाए भव सागर तर जाता है। नमस्कार मित्रों।